टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम बंधुओं के लिए वजू के अनुकूल व्यवस्था हेतु डीएम ने की बैठक। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर गुरुधाम मंदिर परिसर में स्मारकों पर आधारित लगाई गई छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी। G20 सम्मेलन में भाग ले रहे विदेशी मेहमानों ने नमो घाट पहुंचकर देखी छठा, इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। और जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर किया फैसला, अब 7 मामलों की एक साथ होगी कोर्ट में सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम बंधुओं के लिए वजू की अनुकूल व्यवस्था हेतु डीएम ने बैठक की। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान माह को देखते हुए वजू खाने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कोर्ट के आदेश पर बैठक कर वजू खाने के लिए रास्ता निकालने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी समेत सभी अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों में नाराजगी भी देखने को मिली। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वजू खाने के तालाब में कथित शिवलिंग मिला था, जिसके बाद लगभग 12 महीने से वजूखाने को सील कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल वजूखाने को लेकर जिला प्रशासन को आदेश दिया था, जिसमें ईद पर वजूखाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, जिस पर आज जिलाधिकारी की उपस्थिति में बैठक की गई। डीएमएस राजलिंगम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर आज मसाजिद कमेटी के लोगों के साथ बैठक की गई है, इसमें वजू खाने को लेकर सहमति बनी है। साथ ही एक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाएगी। जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसको कोर्ट में बताएंगे, क्योंकि मामला विचाराधीन है। कि प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, हम माननीय न्यायालय को अवगत करा देंगे और उनके सहमति से उनके लिए हम व्यवस्था करा रहे हैं। क्या मांग थी सर इन लोगों की, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में? अभी जो लिखित आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ, हमने वेबसाइट में भी चेक किया, बट जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे उनके द्वारा ये कहा गया कि इनके लिए वजू की व्यवस्था करा दिया जाए और मोबाइल टॉयलेट्स रखने के बारे में भी कंसल्ट करके इस पर निर्णय लिया जाए, उसी में बातचीत हुई थी। कुछ नाराजगी भी देखने को मिला। क्या निर्णय लिया गया, क्या सहमति बनी? नहीं, वो हम कोर्ट को बताएंगे, क्योंकि प्रकरण विचाराधीन है। सो सहमति बन गई है और काफ़ी देर बातचीत हुई है और वो पक्ष भी सहमत है। अभी मसाजिद कमेटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी असीम जी का लोगों से बातचीत के दौरान कहना है कि वो ही फैसला करेगी, कुछ नाराजगी जैसी जाहिर हो रही है। नहीं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में है, तो हम लोग उनकी जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। बट अभी जो निर्णय जो हुआ वो भी पक्ष भी मौजूद थे और हम भी थे और उस पर कुछ सहमति बनी। तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या करने जा रहे हैं? वो हम माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। जिसका भी मीटिंग चल रही है, जिसका ये था कि वजू के लिए व्यवस्था करने की मांग की गई थी, उसके संबंध में एक मोबाइल टॉयलेट हम लोगों ने सुझाव दिया कि मोबाइल टॉयलेट्स खड़ा कर दिया जाए, जिसमें काम हो सकता है। तो उस पर अभी डिस्कशन चल रहा, सहमति बन रही है उस पर, थोड़ी देर में निर्णय हो जाएगा। क्या मांग थी मुस्लिम पक्ष की? यही मांग थी कि वजू के लिए कोई व्यवस्था हो जाए यहाँ पे, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उसी के संबंध में अभी मीटिंग चल रही है, फाइनल हो जाएगा तब। लग रहा सहमति बन जाएगी। हाँ, सहमति बन जाएगी। सुनिए, कौन कौन लोग शामिल हैं आज की मीटिंग में? इनकी कमेटी के लोग थे जो मस्जिद पक्ष के, और हमारे यहाँ से डीएम साहब थे। नगर निगम से आप? हाँ, नगर निगम से। अच्छा, क्या वो मतलब दूसरे पक्ष हिंदू पक्ष से भी कोई शामिल है क्या इस मीटिंग में? हाँ, कुछ लोग हैं उसमें शामिल हैं। वजू खाने के लिए वजू की व्यवस्था वहाँ करी गई है, लोग टंकी लगी गई है, लोग हाथ धो रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको फिर किस प्रकार की व्यवस्था चाह रही है? और अब उसी पर तो सहमति हो रही, किस प्रकार की चाहिए उनको, परमानेंट चाहिए, अस्थाई चाहिए, जिस प्रकार उसी पर सहमति बन रही है। आप लोगों ने सजेशन दिया है मोबाइल टॉयलेट? नहीं, सजेशन डीएम साहब ने दिया था। ठीक है, तो उस पर उनका अपना पक्ष रखना। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा वही होगा।
तो आप लोग की बैठक असफल रही एक तरह से? कोई विकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था, मोबाइल, टॉयलेट, आप लोगों ने क्या मांग रखा? आप लोगों को दिक्कत क्या? आप लोग की दिक्कत क्या थी? विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर गुरुधाम मंदिर परिसर में स्मारकों पर आधारित छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी के द्वारा शिल्प सृजन वाराणसी संस्था एवं इंटेक वाराणसी अध्याय वाराणसी के सहयोग से स्मारकों पर आधारित छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्मारकों में गुरुधाम मंदिर, 32 खम्बा रेलवे यार्ड, 32 खम्बा बकरियाकुंड, कर्दमेश्वर महादेव मंदिर, कंदवा सारनाथ मंदिर, मिर्जापुर चुनार किला, हुलासखेड़ा के छायाचित्र तथा पेंटिंग में भारत के 7 धरोहर, प्राकृतिक बूंदे, घाट, एब्स्ट्रैक्ट, दक्षिण भारत की संस्कृति, मुखौटे, फूल और पत्तियों का समावेश तथा प्राकृतिक विरासतों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में पंच बहादुर, सिद्धुत्त नारायण, मुंशी श्रेया भट्टाचार्य, गार्गी चटर्जी, शुभो घोष के फोटो तथा सोमा चक्रवर्ती, तनुश्री रॉय, पिंटू कुंडू, गणेश वेंकट, प्रीति सिंह की पेंटिंग प्रदर्शित की गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष कला इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं प्रोफेसर विजय सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की विरासतों को संरक्षित कर इन्हें भावी पीढ़ी एवं अन्य जनमानस में प्रचारित प्रसारित करने पर बल दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संयोजन तथा अतिथियों का स्वागत एवं विषय प्रवर्तन क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी डॉ. सुभाष चंद्र यादव ने किया। आज 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस का आयोजन यहाँ पे वाराणसी में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की तरफ से इंटेक वाराणसी अध्याय और शिल्प सृजन संस्था के सहयोग से किया गया है। इसके अंतर्गत स्मारकों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी, स्मारकों व प्राकृतिक धरोहरों पर आधारित पेंटिंग व चित्रों की प्रदर्शनी की गई है, जिसमें देश और कुछ विदेशी कलाकारों की भी कृतियाँ प्रदर्शित हैं, जो लगभग 100 से ऊपर हैं, 125 के आसपास यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसके साथ ही एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी और कलाकार डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी ने प्रतिभाग किया, जिसमें ये चर्चा हुई कि इस बदलते हुए परिवेश में अपनी मूर्त और अमूर्त विरासतों को कैसे संरक्षित रखते हुए भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाए, उसके भाव को बरकरार रखा जाए। डॉक्टर तिवारी जी ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि हम कैसे इन सब धरोहरों को संरक्षित करते हुए आगामी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित कर सकते हैं। वो हम लोगों की यही कोशिश है कि भावी पीढ़ी के लिए अपनी विरासतों को संरक्षित करने के सभी माध्यमों का प्रयोग करें, जैसे उनके बीच में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता के साथ साथ इस तरह के प्रदर्शनी का भी आयोजन करें, जिसको वो देखें, उनके मानस में अपनी विरासतों का अक्स उभरे और उसको संरक्षित करने में वो सहयोग प्रदान करें। G20 सम्मेलन में भाग ले रहे विदेशी मेहमानों ने नमोघाट पहुंचकर काशी के अलौकिक छटा निहारी, इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। G20 सम्मेलन के तहत वाराणसी में चल रहे बैठक में पहुंचे विदेशी मेहमानों ने सोमवार की देर शाम नमोघाट पहुंचकर काशी के अलौकिक छटा को देखा। नमोघाट पर G20 सम्मेलन में शामिल हुए डेलीगेट्स का परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। वहीं नमोघाट पर स्वागत के दौरान नृत्य कर रहे कलाकारों के साथ डेलीगेट्स भी थिरकते नजर आए। नमोघाट से क्रूज पर सवार होकर मेहमानों ने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती देखी। G20 के मेहमानों के आगमन को लेकर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती करने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने विशेष आरती का आयोजन किया। मां गंगा की आरती स्थल को विदेशी मेहमानों के आकर्षण के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि मां गंगा की आरती से पहले विदेशी मेहमानों के लिए विशेष शंखनाद का आयोजन किया गया था। वहीं मां गंगा की विशेष आरती को देखकर
विदेशी मेहमान भी काफी खुश नजर आए। आज जो की जो शांति आरती है गंगा सेवा निधि की, उसमें G20 सम्मेलन में जो आए हुए बाहर के जो हमारे मेहमान लोग हैं, तो उन लोगों ने अपनी सहभागिता दी है और वो पूरा आरती देख करके बड़ा प्रसन्न होकर के और खुश होकर के गए हैं। और आरती की शुरुआत जो राम जन्म योगी जी के शंखनाद से, उनके शंखनाद की ध्वनि से हुई है, उसके बाद वो पूरी आरती देख करके फिर वो लोग सारे मेहमान यहाँ से प्रस्थान करके गए। हाँ, इसमें प्रशासन की तरफ से काफ़ी अधिकारी वगैरह थे और DC गौतम जी भी थे और पूरी व्यवस्था पूरी सुनियोजित तरीके से रही है, ताकि इसमें आम दर्शनार्थियों को भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो और जो हमारे बाहर से जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं, तो उनको भी किसी भी तरीके की कोई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर फैसला किया। अब 7 मामलों की सुनवाई एक साथ कोर्ट में होगी। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी से संबंधित 7 मामलों की सुनवाई अब कोर्ट एक साथ करेगी। ये ऐतिहासिक फैसला जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दिया है। 54 दिन तक चली सुनवाई में हिंदू पक्ष की मांग को जिला जज ने स्वीकार करते हुए 7 मुकदमों को तलब कर दिया है। साथ ही 18 अन्य की फाइल अध्ययन के लिए सुनवाई की अगली तिथि 21 अप्रैल को नियत की गई है। इस संबंध में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हमारी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी कि श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से संबंधित वाद एक साथ सुने, क्योंकि ज्यादातर मामले एक ही टेक्सचर के हैं। इस मामले में लगातार तारीख पड़ रही थी। सोमवार को जिला जज ने इस पर सुनवाई करते हुए 7 मुकदमों को तलब करने का निर्देश दिया है। ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। जिला जज ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 7 मामलों को तलब किया है। इसके अलावा बाकी के मामलों की फाइल मंगाई गई है। उनकी मेरिट के हिसाब से ये तय होगा कि वो एक साथ सुने जा सकते हैं या उन्हें अलग से सुना जाना चाहिए। आज क्लब के सारे केस को एक साथ सुनने वाले मामले में आपके पक्ष में फैसला आ गया है जी। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? ये तो हम लोग जीत के मतलब ये दूसरी सीढ़ी है जीत की हम लोग की, और हम लोग की बहुत खुशी है कि हम लोग का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया है और सारे मुकदमा एक हो जाएंगे। हम लोग का 91-30 का जितना मुकदमा है सब एक हो जाएगा और मुकदमा लड़ने के लिए हम लोग को ताकत भी मिलेगी और आगे हम लोग जीत के लिए शुरुआत करेंगे। फैसले से अब जो मुकदमा है तारीख है, जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, एक ही ब्रेंच पर होने से अदालत का भी समय बचेगा और फैसला मतलब सुनवाई भी इस पर जल्दी जल्दी। नहीं, अदालत का समय बचेगा और सुनवाई भी जल्दी जल्दी होगी। एक ही मुकदमा है तो सुनवाई जल्दी जल्दी होगी। और मेन बात कि हम लोग की भी जीत, हिंदू सनातन की भी जीत है कि एक साथ मुकदमा हो गया, जो साधु संन्यासी भी साथ में मिलकर लड़ और लोग भी लड़ रहे हैं, तो उससे हम लोग को भी जीत होगी। अगली तारीख कब आप इस मामले में सुनवाई? तारीख तो नहीं बताए हैं जज साहब, अब देखिए कब पड़ता है। अब आज हाई कोर्ट का भी आ जाएगा तो और अच्छी जीत हो जाएगी हम लोग की। आज ट्रांसफर एप्लीकेशन जो फैसला आना था, क्या कुछ हुआ? ट्रांसफर एप्लीकेशन जो हम लोग पहले डाले हुए थे, आज इस पर जो है माननीय जिला जज द्वारा स्वीकार कर लिया गया, सभी पत्रावली को अपने यहाँ मंगा लिया गया और उसकी सुनवाई अब जिला कोर्ट वाराणसी में होगी। जो भिन्न भिन्न न्यायालयों में थी, सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पत्रावली थी, कुछ पत्रावलियाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC के यहाँ थी, जो सभी पत्रावलियों को मंगा लिया जाएगा 21 अप्रैल को। उसमें पहले मूल पत्रावली में डेट पड़ी हुई, उसी डेट पर सब पहले आ जाएंगे। सारे केस को एक साथ होने वाला जो केस को क्लब करना था, तो क्या आपको किस पक्ष में फैसला आ गया जो आपने मांग की थी? देखिए, फैसला मेरे पक्ष में नहीं, फैसला न्याय के पक्ष में है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न न्यायालयों में मुकदमा एक ही अराजी नंबर 9130 जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद कही जाती है, हिंदू पक्ष द्वारा मंदिर कही जाती है, और उस पर
दौरान कमीशन सीलिंग प्रकट हुए हैं, उसको फब्बारा कहा जा रहा है, हम सीलिंग कह रहे हैं। अब इसी को लेकर के भिन्न भिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय गुमराह करके कार्रवाई नहीं की जा रही थी, डेट पर डेट पड़ा रहे थे, कई मुकदमे दाखिल कर दिए गए थे, जिनका सबका उद्देश्य यही है। एक पक्ष का उद्देश्य है कि मंदिर है, मंदिर रहे, पूजा पाठ का अधिकार मिले, रक्षा सुरक्षा अधिकार मिले, इसको आप सनातन या हिंदू पक्ष कह सकते हैं। एक पक्ष का कहना है कि वह मस्जिद है, वह कतई मंदिर नहीं है, और आक्रांताओं द्वारा अगर तोड़ा भी गया है तो वहाँ का बादशाह था, उसका स्वामी है, मालिक है, वह मस्जिद ही रहे। वो मामला तो दो पक्षों के बीच में है, तो कई मुकदमे चलाने से न्यायालय को भी दिक्कत ज्यादा हो रही थी। साक्ष्य सबूत एक ही होना चाहिए, एक ही रहेगा भी, जो मंदिर का पक्ष साथ रहेगा साक्ष्य रहेगा मंदिर पक्ष देगा, मुस्लिम पक्ष अपना मस्जिद का साक्ष्य देंगे, तो एक न्यायालय में हो जाने से समय की बचत, न्याय की कार्रवाई भी कुछ समझ में आएगी, लंबी अवधि नहीं जाएगी और निर्णय भी निष्पक्ष होगा। सारे केस को एक साथ सुनने के लिए क्लब करने के लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही थी, आज फैसला आ चुका है, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? मैंने पहले कहा इसको जीत ना कहिए, ये न्याय प्रक्रिया में एक मान करके चलिए सहयोग होगा, जो कि इसको जीत ना कह करके आप मान करके चलिए सभी सनातन एक साथ लड़ेंगे और सही फाइलें क्लब होकर के एक साथ फिर सात पढ़े जाएंगे और वही कमीशन रिपोर्ट सब पढ़े जाने हैं, जिस कमीशन रिपोर्ट में मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर मिले हैं और वापसी प्रकट हुए। सोनिया कस्तूरबा नगर में कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सोनिया स्थित कस्तूरबा नगर में कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव के कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रोफेसर आर के मिश्रा पूर्व कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, पूर्व सांसद डॉ राजेश मिश्रा, प्रजना शर्मा, राजेश्वर पटेल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आए हुए लोगों ने प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव एवं मुख्य अतिथि का माल्यार्पण किया एवं अनिल श्रीवास्तव की जीत के लिए कामना की। आज उद्घाटन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है, हमारे गुरु जी जिनका आशीर्वाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमको बराबर मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद आज हमें इस उद्घाटन में अवसर पर मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनका हम हृदय से आभारी है और उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत कमियां हैं शहर में, क्या कहना चाहेंगे? अब उसके लिए तो रोज बोलते हैं, बात कमियां तो है, कमियों को दूर करने के लिए हुआ, क्या कहना चाहेंगे जनता से? हमारा आग्रह होगा काशी की अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने परिवार के सदस्यों से कि अनिल श्रीवास्तव जैसा इनको अपने परिवार को जो जानता है, जो काशी की गलियों को जानता है, इसी काशी की गलियों में पला बढ़ा है, यही काशी की गलियों में जिसने राजनीति का ककारा सीखा है, जिसने यहीं पर जमीन से जुड़कर काम किया है और काशी के मूलतः रहने वाले, इनका गांव भी यही बसंतपुर चौखंडी के पास है, जंगसार के पास खानदानी पैतृक गांव, तो ऐसे जो साथी जो काशी को समझे जाने उसको आप चुनाव जिताइए, मेयर बनाइए, निश्चित तौर से जो काशी के और भारत जो BHU के अंदर जिसने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ के तीन तीन चुनाव जीते हुए डेलीगेसी महामंत्री अध्यक्ष, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताएं, मैं समझता हूँ जो सबको लेकर चलने वाला, सबके साथ खड़े रहने वाला ऐसे व्यक्ति का चयन करें, काशी की जनता के लिए दिन रात उपलब्ध रहेंगे और हम सब लोग मिलकर काशी की जनता की सेवा करेंगे, काम करेंगे और खासकर हमारे जैसे लोगों का, अनिल श्रीवास्तव जैसे लोगों का, प्रोफेसर आर के मिश्रा जी ने आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, हम दोनों लोग सौभाग्यशाली हैं, अनिल श्रीवास्तव जी और मैं, हम लोगों ने पिछले 40 सालों तक गुरु जी के चरणों में रह के हम लोगों ने समाज की सेवा और राजनीति की सेवा सीखी है, उनका आज हमें आशीर्वाद मिला है, इस उद्घाटन के मौके पे हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम काशी की जनता से एक अपील करेंगे और हमारी अपील यही है कि पिछले दिनों हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि काशी
स्मार्ट सिटी घोषित है। कागज पे तो स्मार्ट सिटी है, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? शायद आज कोई किसी की आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ सकता। जो भाजपा और सपा के मेयर के उम्मीदवार हैं उनसे हम जरूर कहना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, यदि आप ये बतला देंगे तो हमें लगेगा कि आप उस पद के लायक हैं। स्मार्ट सिटी की परिभाषा जो लोग नहीं बता सकते वो बनारस में मेयर के उम्मीदवार हो जाते हैं। दुर्भाग्य है, जब से राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 74वां संविधान संशोधन लागू करके देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की, नगर पालिकाओं और नगर निगमों को व्यापक अधिकार दिए, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भी वो लागू नहीं है। कहने को नगर निगम है, कहने को मेयर है, लेकिन जो नगर आयुक्त होता है वही असली मालिक हो जाता है। नगर निगम का मेयर कुछ नहीं कर पाता। पिछले लगातार हमें लगता है 7-8 जब से चुनाव शुरू हुआ है मेयर भाजपा के लोग रहे हैं बनारस के अंदर। मैं ये जरूर जनता से कहना चाहूँगा, काशी की जनता प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वो चीज़ों को समझती है। उस पद के गरिमा के अनुरूप व्यक्ति का चयन करिए। इसमें आप सिर्फ दल के नाम पे चयन करते हैं तो दल से काठ का उल्लू भी बैठ जाता है, तो उसे मान लिया जाता है कि ये मेयर हो गया। लेकिन इस बार काशी के लोग काशी की गरिमा के अनुरूप मेयर के उम्मीदवार का चयन करें। भाई अनिल श्रीवास्तव जी 3-3, 4-4 पार्ट पर चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़के राजनीति में आए हैं, ग्रास रूट की पॉलिटिक्स से राजनीति में आए हैं। और बाकी लोगों के बारे में तो मुझे लगता है कि आज भी बनारस की जनता ये कहेगी कि भाजपा के उम्मीदवार ये कौन है, कहाँ रहते हैं, और यही हाल सपा का होगा। अनिल जी के बारे में बनारस में ये नहीं कोई कह सकता। तो मेरा अनुरोध होगा कि अनिल श्रीवास्तव को चुनाव जीता मुझे लगता है कि आकाश तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसका अंजाम अच्छा होगा। इतना कहकर मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि सब संकोच लिहाज छोड़कर चुनाव प्रचार कार्य में जुटे। काशी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के जाते परखे पहचाने पुराने कार्यकर्ता अनिल श्रीवास्तव, और जिनको मैं कम से कम 40 साल से जानता हूँ, उनका पूर्ण समर्थन करें। और मैं इस बात का पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ये आपका सही प्रतिनिधित्व करेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर व्योमेश शुक्ल को सम्मानित किया गया। नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साहित्यकार रंगकर्मी व्योमेश शुक्ल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व नागरिक समाज द्वारा सम्मानित किया गया। इस चुनाव में व्योमेश शुक्ल ने जीत दर्ज की। इस बड़ी विजय और आगामी चुनौतियों के लिए बनारस के विद्यार्थियों, नागरिक समाज एवं मधुबन गोष्ठी द्वारा आर्ट गैलरी के तत्वाधान में व्योमेश शुक्ल को सम्मानित किया गया। सबसे पहले नवनियुक्त प्रधानमंत्री और मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्रम व तुलसी का पौधा देकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात संवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान व्योमेश शुक्ल ने कहा कि नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी भाषा व साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। बीते सालों के सभा के पदाधिकारियों ने सभा का राजनैतिक और स्वार्थ लाभ के लिए मनमाना ढंग से दुरुपयोग किया। अब जिम्मेदारी बनारस के नागरिक समाज की है। ये जिम्मेदारी बीएचयू के विद्यार्थियों और नागरिक समाज को लेनी पड़ेगी। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी एवं अध्यक्ष के रूप में पद्मश्री राजेश्वर आचार्य के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नागरी प्रचारणी सभा का प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ हूँ। हम लोग यहाँ नागरी प्रचारणी सभा की आगामी योजनाओं, लक्ष्यों और उसको सुधारने के, संवारने के स्वप्नों पर बातचीत कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम इस निमित्त यहाँ हुआ कि काशी के हृदय स्थल पर स्थित
काशी नागरिक चारणी सभा जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है और उसमें एक युवा अभी अभी वहाँ के। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम बंधुओं के लिए वजू के अनुकूल व्यवस्था हेतु डीएम ने की बैठक। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर गुरुधाम मंदिर परिसर में स्मारकों पर आधारित लगाई गई छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी। G20 सम्मेलन में भाग ले रहे विदेशी मेहमानों ने नमो घाट पहुंचकर देखी छठा, इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। और जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर किया फैसला, अब 7 मामलों की एक साथ होगी कोर्ट में सुनवाई। तो आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।